दोस्तों, जब भी हमारे सामने अरबपतियों की बात होती है, तब हमारे सामने ये चेहरे आ जाते हैं। यह दुनिया के बहुत बड़े अरबपति है, बड़े कंपनियों के मालिक है। बड़े कंपनियों के मालिक होने के साथ हम यह सोचते हैं कि सरकार इनसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती होगी, पर मैं आपसे कहूँ कि इन पर एक आम व्यक्ति के जितना ही या उससे भी कम टैक्स लगता है, तो क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? दरअसल इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा फंडा है। जब देश में रोजगार की जरूरत पड़ती है, तब सरकार सभी अरबपतियों को बुलाकर उनके साथ विचार करती है। तब ये अरबपति अपने कंपनी को देश में लाकर खड़ा करते हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है और इस कारण से सरकार की परेशानी खत्म हो जाती है। और बात जब टैक्स की आती है, तब सरकार इस कंपनी में काम करने वाले एक आम व्यक्ति और आम जनता से टैक्स लेती है, और उतना ही टैक्स उस कंपनी के मालिक यानी अरबपतियों से भी लेती है। अब ऐसा सरकार क्यों करती है, तो इसका कारण जानते हैं। क्योंकि जब सरकार इन अरबपतियों से भारी भरकम टैक्स लेने लगेंगी, तब वे अरबपति इस देश को छोड़कर चले जाएंगे और किसी ऐसे देश में रहने लगेंगे जहां सरकार उनसे कम टैक्स ले। और इस तरह से अरबपति जब देश को छोड़कर चले जाएंगे, तो सरकार को काफ़ी नुकसान होगा। इससे रोजगार खत्म हो जाएगा और बेरोजगारी होगी और लोग रोजगार की मांग उठाने लगेंगे, जिससे सरकार की सत्ता खतरे में भी पड़ सकती है। इस कारण से सरकार एक आम व्यक्ति से भी उतना ही टैक्स लेती है जितना इन अरबपतियों से। कई अरबपति तो ऐसा भी मानते हैं कि उन्हें एक आम व्यक्ति से भी कम टैक्स देना पड़ता है, और इस कारण से सरकार अपना फायदा निकाल लेती है और अरबपति भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में लिखे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।